अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कतर में लोग सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह कैसे खरीदते हैं? हमारे इंडिया की तरह ठेले वगैरह नहीं होते हैं, मॉल में बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, वहीं से लोग फ्रूट्स खरीदते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से ये सब्जी फ्रूट्स खरीदने की पूरा मॉल में एक पूरा सेक्शन होता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि जैसे ये मान लीजिए ये है, तो इस पर लिखा होता है कि ये ओमान का है, ये कैबेज है ना, देखिए ये ओमान का है। और मैं अगर आपको दिखाऊं जैसे कि ये लौकी, तो लौकी के बारे में लिखा हुआ है कि ये ओमान है ना, हमारे इंडिया से क्या आया है। देखिए ये आप देखें, रेड पम्पकिन है और ये बैगन है, बैगन के बारे में लिखा है कि ये इंडिया से आया हुआ है। और एक ख़ास बात मैं आपको दिखाता हूँ, और एक ख़ास बात हमारे मेज़बान बता रहे थे मौलाना सईद साहब, ये देखें इंडिया से आया है। और इन्होंने ये भी बता दिया है कि ये बाई एयर आया है, बाई शिप नहीं आया, ताकि लेने वाले को ये अंदाज़ा हो जाए कि ये इंडिया की सब्ज़ी है और बाई एयर आई है तो इसमें फ्रेशनेस ज़्यादा है, बाई शिप आएगी तो फ्रेशनेस कम हो जाएगी। तो इस तरह से लोग जो है ना यहाँ फ्रूट्स और ये सब्ज़ियाँ वगैरह ख़रीदते हैं। अस्सलाम वालेकुम।